Honorable Prime Minister of Pakistan. Madam Speaker, जिस तरह भी आपने अपने ताज़ीती पैगाम में जो बात की है, मैं उसी की तायीद करना चाहता हूँ। ये पूरा मौजूदा ऐवान हम सब मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की वफात पर हम सब रंजीदा हैं। एक इंतहाई ईमानदार शख्स, बहुत हलीम तबा, बड़ी सराहत के साथ बात करते थे, एक जैद आलम थे, और अब पता चला कि वो अपने इलाके में मस्जिद के पिछवाड़े में एक छोटे से घर में रहते थे। इलेक्शन उन्होंने एक मोटर बाइक पे कैंपेन की। वो एक बहुत अमली तौर पर एक बड़े अजीम मुसलमान थे और सच्ची और खरी बात करते थे। मैंने उनको काबीना में हमेशा किसी झोल के बगैर अपनी बात को करने में उनको बड़ा माहिर पाया, और ये आज इस हाउस के लिए भी और आपके तौसीफ जनाब स्पीकर, पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए मैं आज ये राज बताना चाहता हूँ कि जब काबीना ने फैसला किया कि जो भी ऑनरेबल मेंबर इन सख्त माशी हालात की रोशनी में मुश्किल वक्त के पेश नज़र जो भी अपने ताई वॉलंटरीली अपनी तनख्वाह या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सरेंडर करना चाहे, तो हम सब उनको खुशामदेद कहेंगे। काबीना की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इस फैसले से वॉलंटरीली इतफाक़ किया कि बिल्कुल मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और हमें जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करें। लेकिन मुफ्ती साहब मरहूम ने कहा कि वज़ीर आज़म मैंने बात करनी है, और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और उनका बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के उनका जो रिफ्लेक्शन थी वो उन्होंने फिल फौर जाहिर कर दी कि वज़ीर आज़म मैं, मेरा जो गुजारा जो है उस तनख्वाह के बगैर नहीं होगा, मैं ये हिस्सा नहीं डाल सकूँगा। अंदाज़ा कीजिए जनाब स्पीकर, कितना अजीम शख्स था वो। कौन शख्स इस तरह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। लेकिन वो शख्स चूँकि सच्चा था, उस ज़ात पर उसको बिल्कुल कामिल यकीन था, मौत पर कामिल यकीन था, ईमानदार था और रिस्क हलाल में वो यकीन रखता था, उन्होंने ये कहा मुझे। बाद में भी मुझे मिले और कहा कि वज़ीर आज़म आपने बुरा तो नहीं मनाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने सच्ची बात आपने काबीना में की। जनाब स्पीकर, कितनी शिकायतें आपको आती थीं जो पिछले साल गुजर गए, पिछली हुकूमत के दौरान, हज के दौरान जो बदनज़मी और बद इंतज़ामी होती थी। मैं आज आपसे बड़े अदब से ये पूछना चाहता हूँ, जो पिछला जो हज गुजरा, आपके कानों में भी ये बात पहुँची होगी कि कमाल कर दिया, बेहतरीन इंतजाम थे वहाँ पर। इसका सारा सेहरा मुफ्ती शकूर को जाता है कि उन्होंने इंतहाई इखलास के साथ और इंतहाई मेहनत से उन्होंने सारे इंतजाम किए। हज के जो डीजी होते हैं सऊदी हुकूमत के साथ, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने तावन किया और हमारी तमाम दरख्वास्तों को सऊदी हुकूमत ने माना, लेकिन इंतजाम के हवाले से और उससे पहले सालों में आप यकीन करें, बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मुझे भी शिकायतें आती थी कि शहबाज शरीफ साहब ये कैसी हुकूमत है जो रियासत मदीना का नाम लेती है, लेकिन वहाँ पर हाजियों को खुराक का इंतज़ाम ठीक नहीं, वहाँ पर उनके रहने सहने का इंतज़ाम ठीक नहीं। मुफ्ती साहब ने वहाँ पर जनाब डेरे जमा लिए और पूरे इंतजाम की खुद निगरानी की वहाँ पर। और आज एक और मैं आपको खदमत में बात कर्ज करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आपको सबको इल्म है, इस हाउस को इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े
बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है, और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मजीद दिए हैं, और इसी तरीके से UAE मुतहदा अमारात ने भी, जो मेरी उनसे मैं दौरे पे गया था तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कन्फर्म हो गया, और IMF की ये भी एक शर्त वो एक पूरी हो गई। जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसकी पोजीशन बहुत टाइट है, और हमारी जो जो एसेंशियल आइटम्स हैं खुराक अद्वियात और इस तरह की, उसको हम तरजीह देते हैं। तो इस दफा हज के लिए जो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था उसके लिए मुफ्ती साहब यकीनन बहुत उनको कंसर्न था कि एक तरफ पाकिस्तान के जो हालात जो हैं उसके पेश नज़र मैं किस तरह वज़ीर आज़म को या काबीना को कहूँगा कि मुझे इतने फंड दिए जाएं, लेकिन मुफ्ती साहब ने वज़ीर ख़जाना से मुसलसल राबता रखा, और जितने भी हमारा ख्याल था कि बाहर से जो हाजी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनका फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी आ जाएगा और वो अपना उससे हमारा मामला चल जाएगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की खतीर रकम हमें फिर दरकार थी। मुफ्ती साहब ने बड़ी मेहनत की, दुआएं की, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी काविशों के बाद काबीना के सामने ये मामला रखा, और काबीना ने बड़ी खुश दिली के साथ कि ये हाजी जाएंगे वहाँ पर खाना काबा में और रोज़ा अतर पर जाकर वहाँ पर दुआ करेंगे अल्लाह ताला के हजूर, तो शायद पाकिस्तान की किसी हाजी की दुआ जो है आसमानों को चीरती हुई पहुँच जाएगी अल्लाह ताला के यहाँ, तो वो कबूलियत का वक्त होगा। मुफ्ती साहब की ये बतौर वज़ीर ये आखिरी बहुत बड़ी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है।